फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जहां पे मैंने बताया था कि कैसे आप कैप्शन को क्रिएट कर सकते हैं आपके वीडियोस में, चाहे वो शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो हो, प्रीमियर प्रो का यूज करके कैसे आप मैनुअल तरीके से कैप्शन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कई सारे लोगों का कमेंट आया कि यहां पे उन्हें मैनुअल तरीका नहीं यूज करना, यहां पे उनको कोई ऑटोमेटिक कोई AI टूल यूज करना है, ताकि जिससे सिंगल क्लिक में उनकी वीडियोस में सब टाइटल यानी कि कैप्शन जो है वो यहां पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो कि केवल एक सिंगल क्लिक में आपके वीडियोस में कैप्शन क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी स्टाइलिश अलग अलग स्टाइल के साथ में, अलग अलग एनिमेशन के साथ में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस वेबसाइट के अंदर आ जाना है। वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको आकर के सबसे पहले आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पे चूज करनी है। तो यहाँ पे हम चूज वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट को यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे शॉर्ट को चूज कर लिया है। तो ये ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लेगा, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश है। मॉडल में यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं बेस, टिनी, स्मॉल, मीडियम, तो जो भी आप चूज करना चाहें। बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे हम बेस ही चूज करके रखेंगे। देन ट्रांसक्राइब ऑडियो के ऊपर आपको सिंगल क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे ट्रांसक्राइब ऑडियो पे क्लिक करेंगे, जो भी आपने यहाँ पे बोला हुआ होगा तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसक्राइब करेगा। देन इसके बाद में ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे जितने भी सबटाइटल वगैरह हैं वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं वेट करना है, डिपेंड करता है आपकी वीडियो की लेंथ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ये टाइम लेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो वीडियो की ड्यूरेशन थी 1 मिनट 4 सेकंड थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है पूरा का पूरा ऑडियो जो है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो जितना भी ऑडियो था उसके अकॉर्डिंग पूरी यहाँ पे ट्रांसक्राइब ये हो चुका है। देन आप इसको चूज कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे किस तरीके से दिखाना, लाइक जैसे कि लेआउट में जाकर के आप इसका काउंट, कैरेक्टर काउंट जो है कम, यदि आपको चाहिए तो आप यहाँ पे कम रख सकते हैं, यदि आपको ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे ज्यादा रख सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको कम ही रखें, तो हम इसको 15 रखेंगे। एंड जो इसका पॉजेस है, पॉज आप इसको कम भी रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं। जितना कम रखेंगे उतना ज्यादा जो है यहाँ पे जल्दी फास्ट यहाँ पे जो है सब टाइटल जो है हमारे चेंज होंगे। देन लाइन पर पेज जो है, कितने लाइन आपको एक पेज में चाहिए, यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा सिंगल लाइन यूज करें। कई जगह पे आप डबल लाइन भी यूज कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे एनिमेशन स्टाइल देखने मिल जाएगी, कैप्शन के अलग अलग स्टाइल देखने मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो स्टाइल है ये अली अब्दाल यूज करता है, और ये वाला भी आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में यूज किया जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्टाइल चाहिए, तो वो आप यहाँ से डायरेक्टली चूज कर सकते हैं। एंड उसका एनिमेशन वगैरह यदि आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अली अब्दाल का यदि चूज करता हूँ, तो यहाँ पे अली अब्दाल का चूज करने के बाद में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्सर को आगे पीछे करके या फिर वीडियो को डायरेक्टली प्ले करके आप देख सकते हैं कि एनिमेशन कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे इस टाइप से एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिल जा रहा है। या फिर आप चाहें तो दूसरा स्टाइल यदि चूज करना चाहते हैं, जैसे कि ये वाला स्टाइल है, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से पूरा का पूरा एनिमेशन यहाँ पे हो रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का एनिमेशन चाहिए है, और यहाँ पे ये एनिमेशन का स्टाइल जो है ये आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाला चाहिए, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये इस टाइप से एनिमेशन जो है यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। तो आप जब फाइनल कर लेंगे तो इसके बाद में आपको यहाँ पे आ जाएगा कि यदि जो सबटाइटल है आपकी उसकी पोजिशनिंग क्या रखना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि हमें पोजिशन नीचे चाहिए, हम यहाँ पे इसको नीचे मूव कर देंगे, और ये देखिए नीचे के साइड में यहाँ पे सबटाइटल आपको यहाँ पे देखने मिल जा रहे हैं। तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे चाहिए इसकी पोजीशन वगैरह। आपको ऊपर चाहिए तो आप ऊपर सेंटर पे रख सकते हैं, या नीचे चाहिए तो आप नीचे रख सकते हैं। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग पूरा जो है स्टाइल कर सकते हैं। इसका साइज आपको बड़ा चाहिए सबटाइटल का, तो आप यहाँ से सबटाइटल का साइज जो बड़ा कर सकते हैं, या फिर छोटा चाहिए तो आप यहाँ से इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे खास बात इसकी ये है कि यहाँ पे ये एकदम फ्री देखने मिलता है आपको। यहाँ पे कोई भी वाटरमार्क वगैरह आपको देखने नहीं मिलेगा। तो सिंपल आप जैसे कि यहाँ पे आप यदि कोई भी टेक्स्ट इसका डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर SRT फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं उस चीज को। देन आपका एनिमेशन पूरा फाइनल हो जाता है कि आपने जो भी स्टाइल वगैरह चूज करने थे वो सारी चीजें आप कर लेते हैं। देन इसके बाद आपको सिंपल एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा वीडियो जो आपका रेंडर होने लग जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंडरिंग चल रही है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट करना है आपको। जैसे ये रेंडर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में डायरेक्टली आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आपकी आपका जो वीडियो है यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब सिंपल आपको यहाँ पे डाउनलोड वीडियो पे क्लिक करना है, और आपका जो वीडियो है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काफी अच्छा बिना वाटरमार्क के आपको जो वीडियो है ये पूरा देखने मिल जाता है, और यहाँ पे काफी अच्छा सबटाइटल जो है आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो आई होप आज का जो वीडियो है आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। यदि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक में वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पे लेकर आता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूंगा एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।